हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नए इंट्रोडक्टरी सेशन के साथ उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, यह सेशन है भारत की प्रमुख झीलें और उनके प्रकार। तो मैं एक एक करके भारत की प्रमुख झीलों उनके प्रकारों के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले ये बताऊंगा कि झीलें कितनी तरह की होती हैं और भारत में कौन कौन सी झीलें मौजूद हैं, भारत में झीलों कौन सी सबसे बड़ी झील है, और मतलब इस तरह के जो सारे थ्योरी से रिलेटेड चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए दोस्तों, भारत की प्रमुख झीलें और उनके प्रकार। तो झीलों के प्रकार देखिए दोस्तों, झीलों के कितने प्रकार है। एक है मीठे पानी की झील। दोस्तों, मीठा पानी क्या, किसको हम मीठा पानी कहते हैं? फ्रेश वाटर को हम मीठा पानी कहते हैं, ठीक है। दोस्तों, जो पानी पीने योग्य होता है, जीव जंतुओं के पीने योग्य होता है, वो मीठा पानी होता है। एक होता है खारा पानी, जो समुद्र का पानी होता है। दोस्तों, यह भी समुद्री जीवों के पीने योग्य पानी होता है, परंतु ज्यादातर जो जीव जमीन पे रहते हैं या स्थल पे रहते हैं, उनके लिए उपयुक्त यह पानी नहीं होता है। और मीठे पानी की झीलें मनुष्यों के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी है, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेश वाटर लेक्स जो होंगी, जिनमें मीठा पानी होगा या पीने लायक पानी होगा, वह कौन सी झीलें हो जाएंगी? दोस्तों, मीठे पानी की झीलें हो जाएंगी, ठीक है। दोस्तों, अगली जो झील है वह है खारे पानी की झील। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस झील में किस तरह का पानी होगा दोस्तों? तो खारा पानी होगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस झील का कोई यूज नहीं है, यह भी बहुत सारी पक्षियों, बहुत सारे जीव जंतुओं का आश्रय दाता होता है, ठीक है दोस्तों। और ऐसी झीलों में बहुत सारे प्रवासी पक्षी, जैसे कि एक फ्लेमिंगो नाम की चिड़िया होती है दोस्तों, जिसके गुलाबी पंख होते हैं, यह खारे पानी की झील में ही आती है। तो खारे पानी की झील होती है एक, और एक होती है मीठे पानी की झील, ठीक है दोस्तों। अगली जो झील है वह हिमनदीय झील। हिमनदीय झील दोस्तों, देखिए हिमनदीय झील किसको कहते हैं? ग्लेशियल लेक्स किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप सपोज यहाँ पे कोई पर्वत है, और पर्वत के ऊपर आपको पता है कि हिमनद ऐसे जमा हुआ होता है। अब हिमनद जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, हिम यहां से स्खलित होकर के इस जमीन के हिस्से में गिरेगा तो वह धीरे धीरे क्या करेगा, एक खड्ड का निर्माण करेगा। कोई भी चीज अगर जमीन पे गिरती है ऊपर से और वो भारी होती है, तो जमीन वहां पे धीरे धीरे धंसना शुरू हो जाती है। तो ये जमीन धीरे धीरे धंसेगी, और ये हिमनद जो है वो क्या होगा दोस्तों, क्योंकि पहाड़ पे टेम्परेचर ज्यादा है, जितना ऊपर जाएंगे टेम्परेचर जो है वो ज्यादा कम होता जाएगा, और नीचे टेम्परेचर वो थोड़ा सा तापमान अधिक होगा। तो नीचे टेम्परेचर अधिक होने की वजह से ये हिमनद पिघल जाता है, और दोस्तों ये किस में परिवर्तित हो जाता है? यह झील में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आप ये समझिए कि काली और तीस्ता नदियों के बीच, ठीक है, या सतलज और काली नदियों के बीच जितनी भी झीलें हैं उनमें से अधिकांश झीलें दोस्तों कैसी झीलें हैं? अधिकांश झीलें हिमनदी झीलें हैं, जिनके बारे में आगे आपको सेशन में बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगली जो झील है वह है ज्वालामुखी झील, ठीक है दोस्तों। ज्वालामुखी झील का निर्माण कैसे होता है? आप देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी के ऊपर एक क्रेटर होता है जहां से लावा या मैग्मा बाहर निकलता है, परंतु दोस्तों ज्वालामुखी हमेशा सक्रिय नहीं रहेगा, या हमेशा उससे लावा नहीं बाहर आता रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ज्वालामुखी मृत हो, ठीक है, जैसे कि माउंट फ्यूजियामा नाम का एक ज्वालामुखी है जो जापान में स्थित है। वह कैसा ज्वालामुखी है दोस्तों? वह मृत ज्वालामुखी है। तो अगर ज्वालामुखी मृत है, तो ये जो खड्ड है ये खाली, ये क्रेटर जो ज्वालामुखी का है ये खाली हो जाएगा, पानी वगैरह कुछ भी बरसेगा तो यह इस क्रेटर में भर जाएगा, और कैसी झील का निर्माण कर देगा? ज्वालामुखी झील का निर्माण कर देगा। इसके अलावा मान लीजिए ज्वालामुखी सक्रिय ही है, फिर भी अगर पानी बरसता है तो क्या होगा, ये लावा के ऊपर पानी जमा होता रहेगा, और यह पानी काफी गर्म, उबलता खौलता हुआ पानी रहेगा, ठीक है, क्योंकि नीचे उसके लावा मौजूद है, और लावा जब भी प्रेशर बनाएगा तो वह इस पानी को ऊपर की तरफ फेंकते हुए बाहर भी आ सकता है। तो सक्रिय और मृत दोनों ज्वालामुखियों में दोस्तों इस तरह की झीलें पाई जाती हैं। दोस्तों, अगली जो झील है वह कृत्रिम झील। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कृत्रिम झील दोस्तों क्या होती है? यह मानव निर्मित झील होती है,
किन्हीं विशेष कारणों से या पानी के जमाव को एक तरह से संतुलित करने के लिए या एक तरह से भूजल को ऊपर उठाने के लिए भी ऐसी झीलों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे झील के टाइप्स। कितने टाइप्स हो गए आपके? 1, 2, 3, 4, 5। 5 तरह की झीलें होती हैं। याद कर लीजिए, मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, ये दोनों आराम से याद हो जाएंगी। उसके बाद आप देखिए, एक कृत्रिम झील हो जाएगी जो मानव निर्मित होती है। ठीक है, और हिमनदीय झील और ज्वालामुखीय झील। हिमनदीय झीलों का निर्माण दोस्तों कैसे होगा? हिमनद के द्वारा जो एक तरह से खड्ड का निर्माण होगा, उस खड्ड में हिमनद पिघल करके क्या हो जाएगा? जल की राशि में परिवर्तित हो जाएगा और झील का निर्माण वहां पे हो जाएगा। ज्वालामुखीय झील में क्या होता है कि ज्वालामुखी के ऊपर का जो क्रेटर होता है उसमें वर्षा के कारण जब पानी भर जाता है तो ज्वालामुखीय झील का निर्माण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, गोखुर झील। गोखुर झील किसको कहते हैं? ठीक है, अब आप देखिए नाम इसका कैसा है। गोखुर मतलब के गाय के खुर की शेप की जो झील होगी वही गोखुर झील होगी। अब इसका शेप गाय के खुर जैसा कैसे हो जाता है? देखिए दोस्तों, गाय का खुर कैसा होता है? आप अगर कहीं देखेंगे कि गाय अगर कहीं से चल के जा रही है, ठीक है, तो वहां पे अगर वो मिट्टी थोड़ी ढीली है तो वहां पे उसके जो हूफ्स हैं या उसके जो खुर हैं उसका इंप्रेशन पड़ेगा, और इंप्रेशन पड़ने से कुछ ऐसा सा आपको दिखेगा। ठीक है, ऐसा सा निशान वहां पे बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इन झीलों का शेप भी इसी तरह का होता है। अब इनका निर्माण कैसे होता है? देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि नदियां जब एक तरह से प्लेन्स में इंटर करती हैं, मैदानी क्षेत्र में इंटर करती हैं, तो दोस्तों ये पहाड़ से तुरंत नीचे आती हैं और इनको रास्ता अपना मतलब पता नहीं होता, तो जिधर ढलान होती है उधर की तरफ मुड़ते ही ये इस तरह से अपना रास्ता बनाते हुए विसर्प का निर्माण करते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। अब देखिए, कोई नदी है वह पहाड़ से उतरी और मैदानी क्षेत्र में जैसे ही उतरी इधर से, तो दोस्तों वह इस तरह से मैदानी क्षेत्र में आगे बढ़ रही। अब आप एक तरह से सपोज कीजिए कि किसी कारणवश नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और उसको ढलान यहां की बजाय यहां से मिल गई। ठीक है, बहुत समय पहले, बहुत समय अवधि पहले किसी कारणवश उसको स्थान यहां की बजाय यहां से मिल गया, तो क्या हुआ? ये सारा जो पानी का हिस्सा था दोस्तों, ये क्या हुआ? नदी से कट गया। और ये पानी का हिस्सा दोस्तों कैसा दिखेगा? गाय के खुर जैसा दिखेगा और ये एक झील का निर्माण करेगा जिसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? गोखुर झील। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली तरह की झील है लैगून या अनूप झील। लैगून झील किसको कहते हैं दोस्तों? ये देखिए, आपके समुद्र के पास जब कोई जल राशि, जैसे यहां समुद्र है और यहां पे कोई जल राशि, ठीक है, और यह जल राशि सागर से जुड़ी हुई है लेकिन बहुत ही सकरे मार्ग के द्वारा। ठीक है, सागर से इसका संबंध वर्ष के अलग अलग महीनों में कट भी सकता है। ठीक है, तो इस झील में दोस्तों कैसा पानी होता है? इस झील में ताजे और खारे पानी का सम्मिश्रण पाया जाता है। तो ऐसी झीलें दोस्तों क्या होती हैं? वह लैगून झीलें कही जाती हैं। ठीक है, भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील। अब दोस्तों देखिए, खारे पानी की झील, अब इसमें फ्रेश वाटर था, ताजा पानी था, मतलब कि मीठा पानी था, और इसमें खारा पानी भी मिल गया, तो दोस्तों मीठे पानी में जब थोड़ा सा भी खारा पानी मिल जाएगा तो मीठा पानी भी कैसा पानी बन जाएगा? खारा पानी बन जाएगा। और दोस्तों भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वह है चिल्का झील, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। दोस्तों चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और लैगून नुमा झील के रूप में ये दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी लैगून झील में गिनी जाती है। ठीक है, दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी लैगून झील और खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील दोस्तों कौन सी है? चिल्का झील। और यह दोस्तों कहां पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की झीलें दोस्तों देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, एक एक करके इनके बारे में बताता हूं। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, दोस्तों सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वह कौन सी झील है दोस्तों? वुलर झील है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील दोस्तों कौन सी है? वुलर झील है। यह कहां पर स्थित है दोस्तों? यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है।
अब आप देखिए, आप इस तरह से इस चीज को याद कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो सागर से बहुत ज्यादा दूरी है इसकी। सागर से ज्यादा दूरी होने की वजह से तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं किसी भी तरह से खारा पानी उस जगह पे तो पहुंचा नहीं होगा, तो इसी वजह से यह मीठे पानी की झील में गिना जाएगा। और ये भारत की सबसे बड़ी क्या है, मीठे पानी की झील, इसी वजह से कही जाती है। ठीक है, इसका साइज बहुत बड़ा है और इसमें मीठा पानी है। और यह किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों, तो जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत का जो हिस्सा है, ये देखिए भारत है, मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, देखिए भारत है, यहां से सिक्किम और यहां से पूर्वोत्तर भारत का निर्माण हो जाता है, यहां बांग्लादेश है। ठीक है, तो ये पूर्वोत्तर भारत का जो हिस्सा है पूरा का पूरा दोस्तों, इस हिस्से की सबसे बड़ी झील, इस हिस्से की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील दोस्तों कौन सी है, तो वह है लोकटक झील। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि फुमड़ी का निर्माण किस झील के ऊपर होता है, दोस्तों क्या करते हैं कि लोकटक झील के आसपास के निवासी, उन लोगों ने क्या किया है कि झील के ऊपर पहले थोड़ी बहुत लकड़ियां या तैरने वाली चीजें डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाली और उसी के ऊपर दोस्तों खेती भी करने लग गए। ठीक है, और उसी के ऊपर घर बनाकर रहने भी लग गए। तो ऐसी तैरती हुई फुमड़ियां पाई जाती हैं इस झील के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगली जो झील है वह लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर झील। दोस्तों ब्रैकिश वाटर किसे कहते हैं, जब खारा पानी ताजे पानी से या मीठे पानी से मिलता है तो उसे ही ब्रैकिश वाटर कहते हैं। अब बताइए खारा पानी ताजे पानी से कौन सी झील में मिलेगा, लैगून झील में मिलेगा। ठीक है, लैगून झील दोस्तों क्या है, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर झील दोस्तों कौन सी है भारत की, तो वह चिल्का झील है। अगर इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट या सबसे बड़ी खारे पानी की झील दोस्तों कौन सी है, तो वह भी चिल्का झील ही है, क्योंकि इसमें पानी जो होगा वो तो खारा ही होगा। ब्रैकिश वाटर भी कैसा होता है दोस्तों, खारा पानी होता है, और ये खारे पानी और मीठे पानी का सम्मिश्रण होता है। अगर मीठे पानी में खारा पानी मिला देंगे तो मीठा पानी भी खारे पानी में ही परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन पूर्णतः इसमें खारे पानी की मात्रा जो है, जो प्योर खारा पानी है समुद्र का, उससे कम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगली पॉइंट की तरफ। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील या सबसे बड़ी मानव निर्मित झील दोस्तों, यह कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है दोस्तों, यह कहाँ पे स्थित है, रिहंद डैम पे स्थित है, यूपी और एमपी की सीमा पर। ठीक है दोस्तों, देखिए जब नदी में किसी भी तरह का डैम बनाया जाता है तो पहले एक पानी का बहुत बड़ा रिजर्वायर बनाया जाता है, क्योंकि डैम से पानी का जब रोका जाएगा नदी का, तो पानी कहीं ना कहीं तो जमा होगा, तो एक बहुत बड़ी झील का निर्माण होगा। ऐसे ही टिहरी में भी एक झील का निर्माण हुआ है। तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील दोस्तों कौन सी है, वह है गोविंद बल्लभ पंत सागर। अगला देखते हैं दोस्तों, लार्जेस्ट इनलैंड वाटर लेक मतलब के अंतःस्थलीय, सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील भारत में, अंतःस्थल मतलब भारत के एक तरह से हार्ट में जो मौजूद है, या मेन लैंड में जो झील सबसे बड़ी मौजूद है। अगर इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक का नाम आएगा, इसका मतलब है अंतःस्थलीय खारे पानी की झील। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है दोस्तों सांभर झील राजस्थान। ठीक है दोस्तों, अगली है वह है लार्जेस्ट लेक। ठीक है, सबसे बड़ा तालाब या सबसे बड़ी झील कहाँ पे, केरला में। केरला की सबसे बड़ी झील दोस्तों कौन सी है, वेम्बनाड। ठीक है, वेम्बनाड केरला की सबसे बड़ी झील है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हाईएस्ट लेक दोस्तों कौन सा है, वह है चोलामू झील। ठीक है, सबसे ऊंची झील दोस्तों, सबसे ऊंची झील कहाँ पे होगी, किसी पहाड़ी क्षेत्र पे मौजूद होगी। और दोस्तों सबसे ऊंची झील कहाँ पे मौजूद है, सिक्किम वाले क्षेत्र में मौजूद है। सिक्किम क्या है दोस्तों, एक तरह से पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र है। यह किस हिमालय के अंतर्गत आता है, तो यह असम हिमालय के अंतर्गत सिक्किम का क्षेत्र आ जाता है, और सिक्किम में ही चोलामू झील स्थित है। ठीक है, इसे वहां के लोग शोलामो इस नाम से भी बुलाते हैं। ये देखिए शोलामो इस नाम से भी वहां के लोग इसको बुलाते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में से कोई भी नाम
प्रश्न में इस्तेमाल कर सकता है, चोलामू या सोलामू। ठीक है, ये सिक्किम में है। इसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है, 17,487 मीटर। ठीक है, अच्छा देखते हैं, मीटर नहीं दोस्तों ये फीट होगा, फीट। ठीक है दोस्तों, अगली जो झील है वह है गुरुडोंगमार झील। दोस्तों यह भी कहां पर स्थित है, यह भी सिक्किम में स्थित है। तो सिक्किम में दो झीलें आपको याद रखनी है। दोनों झीलें दोस्तों क्या है, क्रमशः ये हमारे भारत की सबसे ऊंची झीलें हैं, जिसमें से सबसे ऊंची में पहला स्थान हो जाएगा सोलामू या चोलामू झील का। दोस्तों जो दूसरा स्थान है वह है गुरुडोंगमार झील का। और ये दोनों झीलें दोस्तों कहां पर स्थित है, यह सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है, 17,100 फीट। ठीक है दोस्तों, फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड कन्वेंशन संधि इन रामसर ईरान। दोस्तों ऐसा हुआ था कि देखिए 1971 में ईरान के रामसर में यूनाइटेड नेशंस से समर्थित एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को। दोस्तों इसने क्या किया था कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज की थी। और कहां पर ऑर्गेनाइज की थी, ये रामसर एक जगह है कहां पर, ईरान में। तो दोस्तों इस कन्वेंशन में ये हुआ था कि जो वेटलैंड्स हैं या दलदली भूमि है या जलमग्न भूमि है उसका संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। क्यों दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे पशु पक्षी पौधों का ये आश्रय स्थल होता है। बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा दोस्तों कहां पर होती है, जैव विविधता सबसे ज्यादा वेटलैंड में होती है या एक तरह से आर्द्र भूमि में होती है। ठीक है, तो इसके संरक्षण के लिए यहां पर एक कन्वेंशन हुआ था और उस कन्वेंशन में ये डिसीजन लिया गया कि अब हम लोग क्या करेंगे कि भिन्न भिन्न जगहों पर जहां ऐसी आर्द्र भूमियां पाई जाती हैं विश्व में, उन्हें हम रामसर साइट के रूप में घोषित करके उनका संरक्षण करेंगे। ठीक है, तो यह जो है कब हुई थी यह कन्वेंशन, यह 2 फरवरी 1971 को हुई थी। 2 फरवरी 1971 को हुई थी और 2 फरवरी 1971 को ही इसका मसौदा बना करके इसे अडॉप्ट कर लिया गया था। अब दोस्तों देखिए 1975 में इसे लागू कर दिया गया, मतलब कि इसका क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया एज ऑन 2020। देखिए 2020 तक 37 रामसर साइट भारत में, मतलब के एक तरह से 37 रामसर साइट स्थापित हो चुकी हैं या उनको मान्यता रामसर साइट की मिल चुकी है। 37 अलग अलग वेटलैंड्स को रामसर साइट की मान्यता मिल चुकी है। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रजिस्टर ऑफ दोज रामसर साइट्स वेयर इकोलॉजिकल चेंजेस हैव ऑकर्ड और आर ऑकरिंग, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान एंड लोकटक लेक मणिपुर। ठीक है दोस्तों, ऐसा हुआ था कि जिन क्षेत्रों में लगातार क्या हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था जिन क्षेत्रों में लगातार, उन क्षेत्रों में दोस्तों क्या हुआ कि उस क्षेत्र को रामसर साइट के रूप में घोषित किया जाने लगा, जिससे कि इन क्षेत्रों का सम्यक क्या हो सके, संरक्षण हो सके। तो दोस्तों मैंने आपको झील के प्रकारों के बारे में और सबसे ऊंची झील, सबसे बड़ी झील, ऐसे मतलब तरह तरह की चीजें आपको बताई। और दोस्तों रामसर साइट्स के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। आगे मैं आपको राज्य के हिसाब से अलग अलग झीलों के नाम और उन झीलों के क्या उनके क्राइटेरिया है ये भी आपको बताऊंगा। दोस्तों अगले सेशन में मिलते हैं और तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।